हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट विद रीमा में आप सभी का स्वागत है। ये हमारे ETF सीरीज का फोर्थ वीडियो है। पिछले तीन वीडियो में मैंने आपको तीन ETFs के बारे में बताया है, निफ्टी 20, बैंक 20 और जूनियर 20 के बारे में। तीनों वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अगर आप ETF के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा वीडियो ऑल अबाउट ETF जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर दिया है। साथ में अगर आप मेरे चैनल इन्वेस्ट विद रीमा पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी IT के बारे में। इस ETF को कोई NETF IT या फिर नेटफिट ETF कहते हैं। ये नाम इंडिया का प्रोडक्ट है। नाम इंडिया जो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट है, ये एक जापानीज कंपनी है जिसे पहले R नाम के नाम से जाना जाता था और अब नाम इंडिया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले एक साल से IT सेक्टर बहुत ही ज्यादा बूम पर है और हमने देखा कि सारे IT स्टॉक्स में बुलिश रैली चल रहा है, तो हम भी इसे बाय करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और जेन्युइन रिटर्न पा सकते हैं, जिसका आपको बहुत सारा फायदा भी होगा। तो इस वीडियो को तक जरूर देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको ETF के बारे में बताया है। ETF एक बास्केट ऑफ शेयर्स होता है जिसमें सारे फाइनेस्ट और गुड क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। तो अब जानते हैं नेटफिट ETF के बारे में। नेटफिट ETF भी बाकी ETFs की तरह ही NSE में ट्रेड होता है, रियल टाइम स्टॉक्स की तरह। जैसे निफ्टी 20 ETF निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, बैंक 20 ETF निफ्टी बैंक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, वैसे ही नेटफिट ETF निफ्टी IT इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। निफ्टी IT में IT सेक्टर में बेस्ट परफॉर्म करने वाले 10 स्टॉक्स होते हैं। नेटफिट का एक्सपेंस रेशियो 0.22% है, जो म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से बहुत ही कम होता है। अब बात करते हैं इसके AUM की, तो इसका AUM 1031 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बढ़िया AUM है। ETF में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लिक्विडिटी की, जिसकी वजह से आपको बाय और सेल करने के लिए इशू होता है, लेकिन नेटफिट ETF में लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करना एकदम रिस्क फ्री है क्योंकि ये निफ्टी IT इंडेक्स का रेप्लिका है। सो बाय डिफॉल्ट आपका पैसा डाइवर्सिफाई होके 10 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बस आपको चार्ट देखना बहुत ही जरूरी है। अब देखते हैं कि इसमें कौन से 10 स्टॉक्स है और उनका वेटेज कितना है। तो सबसे ज्यादा वेटेज है इंफोसिस का, जो है 27.52%। दूसरा है TCS का, जो है 25.09% का। तीसरा है HCL टेक्नोलॉजी का, जो है 9.28%। चौथा है विप्रो का, जो है 9.16%। पांचवा है टेक महिंद्रा का, जो है 8.95% का। छठा है L&T इंफोटेक का, जो है 5.34% का। सातवा है माइंडट्री का, जो है 4.91%। आठवा है एम्फासिस का, जो है 4.48% का। नौवा है कोफोर्ज का, जो है 2.81% का। और आखिरी है L&T टेक्नोलॉजी का, जो है 2.46% का। ये 10 स्टॉक्स मिलाकर निफ्टी IT इंडेक्स बनता है। नेटफिट ETF निफ्टी IT इंडेक्स के 1000th ऑफ द इंडेक्स के बराबर है। जैसे कि निफ्टी IT इंडेक्स का जो प्राइस है वो अभी 38,607 रुपीज है, तो इस हिसाब से नेटफिट का एक यूनिट का जो प्राइस है वो करीब 39 रुपीज के आसपास का होगा। ये सेक्टोरल इंडेक्स होने की वजह से काफी ज्यादा वॉलेटाइल है कम्पेयर टू निफ्टी 50 इंडेक्स। साथ में ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव इंडेक्स है ग्लोबल मार्केट्स और फॉरेन एक्सचेंज के, बिकॉज इसमें ज्यादातर रेवेन्यू जो है इन कंपनीज के है जो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, जैसे कि इंफोसिस हो, विप्रो हो। हम
हमने COVID-19 के पैंडेमिक में देखा है कि आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा बेनिफिट में था और आने वाले 4-5 सालों में भी इंडिया में आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि कोविड के वक्त इन आईटी कंपनीज का बहुत बड़ा रोल था। बिकॉज पैंडेमिक सिचुएशन के वक्त ऑफिस मीटिंग्स, ऑफिस वर्क, एंटरटेनमेंट, सब चीजों में आज टेक्नोलॉजी की जरूरत है और इन कंपनीज ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चीजों को हैंडल किया है। अगर आपको नेटफिट ETF में इन्वेस्ट करना है तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। आप इसमें दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक है पैसिव SIP और दूसरा है एक्टिव SIP। तो आप जानते हैं कि पैसिव SIP और एक्टिव SIP क्या है। नेटफिट में पहले आप एक रेगुलर SIP मेंटेन कर सकते हो आपके डीमैट में, जिसमें आप एक फिक्स डेट पर एवरी मंथ के एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो मैन्युअली। इसे आप मंथली और वीकली कैसे भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा तरीका है कि आप एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करें एवरी 5% to 10% के फॉल पे। तो पहला वाला जो है वो पैसिव SIP है, जिसमें ऑटोमेटिक एवरी लेवल पे आप बाय कर रहे हैं। बट सेकेंड वाला जो है वो एक्टिव SIP है, जिसमें आप फॉल आने पे बाय कर रहे हो। दोनों मेथड्स के अपने अपने प्रोज और कॉन्स है। लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए पैसिव SIP सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक्टिव SIP में ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स लॉन्ग पीरियड के लिए नीचे ही ना आए और आपको इन्वेस्ट करने का मौका ही ना मिले। अब जानते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में। ईयर 2020 में जब ये लॉन्च हुआ था, तब इसका प्राइस था अराउंड 15.38 रुपीस का, और आज ईयर 2022 में इसका प्राइस बढ़कर हो गया है 39.50 रुपीस। दो साल में आप देख सकते हैं इस ETF ने आपका पैसा जो है वो डबल कर दिया है। 4 January 2022 को नेटफिट ने नया रिकॉर्ड बनाया था हाई बनाकर। परसेंटेज वाइज रिटर्न देखा जाए तो ईयर 2022 से लेकर अब तक नेटफिट ने करीब 156% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल में इसने 68% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो ये था नेटफिट ETF के बारे में। तो आज के वीडियो में मैंने आपको नेटफिट ETF में इन्वेस्ट करने के दो स्ट्रेटेजीज बताए हैं। आप इनमें से कोई भी चूज करके नेटफिट ETF को आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, और मेरे चैनल इन्वेस्ट विद रीमा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक बाकी ETFs का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के ETF प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।